If a vector and b vector are two non-zero vectors such that mod of a vector cross b vector is equal to a vector dot b vector, then find the angle between a vector and b vector. तो हमें गिवन क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर, और किसी को होता है ये साइन थीटा के इक्वल, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा के इक्वल. नाउ अब हमें गिवन है किसके इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल है ना. और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के इक्वल होता है. तो ये दोनों चीजें हमें इक्वल गिवन है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहां से अब हम इन्हें इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. तो जो गिवन है उसे हमने क्या लिखा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये देखो मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. तो यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, कट डाउन हो जाएगा और वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिफरेंट है. तो यहाँ से थीटा की क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इट मींस टेन थीटा इज इक्वल टू वन. तो अगर हम क्या बोलते हैं, जीरो से पाई में अगर एंगल देखेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है एंगल, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट और साइन क्रॉस प्रोडक्ट में जो थीटा आता है क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है. सो एंगल बिटवीन, सो एंगल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू पाई बाय फोर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पाई बाय फोर.